हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपकी बहुत सारी कॉल्स आई मेरी इस वेबसाइट के रिगार्डिंग, और आप में से बहुत से व्यूअर्स ने मेरे से एक ही चीज़ पूछी कि सर, अपनी वेबसाइट के बारे में बताइए, इस पर किस तरीके से काम होता है, ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताइए। और लगभग मैंने सबको एक ही आंसर दिया कि मैं फ़ोन पर आपको नहीं बता सकता हूँ इसके बारे में, क्योंकि इस तरीके की अगर 10 कॉल भी मेरे को दिन में आती हैं और मैं 10 लोगों को इस तरीके से फ़ोन पर समझाता हूँ, तो मैं काम कब करूँगा। तो इसलिए मैंने किसी को भी इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी फ़ोन पर, और मैंने सबको एक ही कमेंट किया था, आप सबको मैंने एक ही कमेंट किया था कि मैं इसके रिगार्डिंग एक पूरी वीडियो जो है वो बनाकर डाल दूंगा, उसमें सब कुछ जितने भी सवाल हैं उन सब के आंसर मैं उस वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। आपके जितने भी सवाल थे वो सारे सवाल मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ड्रॉप शिपिंग क्या है इसके बारे में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में मैं पहले बहुत सारी वीडियोज़ दे चुका हूँ। आजकल ड्रॉप शिपिंग बड़ी कॉमन सी चीज़ है और इसके बारे में सब जानते हैं कि ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप विदाउट कोई इन्वेस्ट किए आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली डिपेंड करता है सब कुछ आपके ऊपर। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, अगर आप ऑनलाइन मार्केट के अंदर हैं तो सारा बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं उस बिजनेस के ऊपर। अब अगर आप अमेजोन के ऊपर भी नॉर्मली सेल कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको पता होगा कि बिना किसी मेहनत के अमेजोन पर भी कोई ऑर्डर नहीं आता है। तो हमेशा मैं कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, कि जो ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, यहाँ पर आपका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सारा काम आपके एक्टिव होने पर डिपेंड करता है। जो ऑर्डर्स आपको आते हैं वो उसी पर डिपेंड करता है कि आप उन ऑर्डर्स के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं, जल्दी से उनको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? पहला जो पॉइंट है, बेसिकली एक पॉइंट मैंने बनाया है अबाउट ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, चूँकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो दोबारा से इसमें क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ, ठीक है? मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर मैं 360 रुपये का ये प्रोडक्ट आपको दे रहा हूँ अपनी वेबसाइट पर। अभी ये एक नॉर्मल प्राइस है, मतलब इस प्राइस को कोई भी देख सकता है, ठीक है? अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ 150 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद यहाँ पर होलसेल के प्राइस जो है वो ओपन हो जाते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग पेज में ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल जो है वो दिए हुए हैं, तो ये पेज जो है ओपन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? ये पेज जो है ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद होता क्या है कि यहाँ पर देखिए, अभी जो नॉर्मल प्राइस शो हो रहे हैं इस तरीके से 360 रुपये, ठीक है? ये प्राइस इस तरीके से चेंज हो जाएंगे बाद में। अभी नॉर्मल देखिए इस तरीके से शो हो रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ऑफ प्राइस और एक नॉर्मल प्राइस है, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्राइस इस तरीके से शो होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाली इमेज में कि यहाँ पर एक देखिए होलसेल प्राइस जो है वो विजिबल हो गया। तो होलसेल प्राइस यहाँ पर जो ओपन होता है वो प्राइस आपको मिलता है हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद। विदाउट रजिस्ट्रेशन आपको ये प्राइस जो है ये ऑप्शन आपके लिए ओपन नहीं होगा। तो ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन होता कैसे है, देखिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है, जब आप इस पेज में आएंगे ड्रॉप शिपिंग के अंदर, तो यहाँ पहला ही ऑप्शन है रजिस्टर नाउ। इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा, यहाँ साफ साफ हमने सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर क्लिक करिएगा, 50 रुपीज़ का एक फॉर्म जो है वो ओपन होगा इस तरीके से, पे यू मनी पर ये। और मैं आपको बता दूँ, ये पेमेंट गेटवे जो है बिल्कुल सेफ है, ठीक है? तो ये एक फॉर्म ओपन होगा, इसको फिल करना है आपको और यहाँ पेमेंट करना है। इसके बाद आपका जो अकाउंट है वो कम से कम 3 से 6 घंटे में प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको इस तरीके से होलसेल प्राइस जो है वो शो होने लग जाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि जब आप रजिस्टर कर लेते हैं और इसके बाद जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है, तो अप्रूव होने के बाद भी आपको कोई मेल नहीं आता, ठीक है? हम कोई भी कंफर्मेशन नहीं देते हैं आपको कि आपका अकाउंट अप्रूव हुआ या नहीं। हाँ, अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर हैं, बेसिकली सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप इस तरीके का कोई भी पेमेंट हमारी वेबसाइट पर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर मेरे से बात ज़रूर कर लें, ठीक है? यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो मेरे साथ शेयर कर दें, आपको मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। तो यहाँ पर कोई भी हम इस तरीके से स्पेशली मेल नहीं देते कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया, अब आप होलसेल प्राइस देख सकते हैं। इस तरीके का कोई भी मेल हम नहीं देते हैं। बस आपको लॉग इन करके देखना है कम से कम 3 से 6 घंटे के बाद, और आपको इस तरीके से होलसेल प्राइस जो है वो शो होने लगेंगे। अब ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है, मान लीजिए यहाँ 228 रुपये 81 पैसे में ये एक स्टैचू है, ये मैं दे रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल है।
अब यहाँ मैंने आपको इतना सस्ता दे दिया, इस प्राइस के अंदर जो भी मैं होलसेल प्राइस दे रहा हूँ इसी के अंदर टैक्स है, इसी के अंदर शिपिंग चार्जेस है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं है। पहले हमारी वेबसाइट पर कुछ हिडन चार्जेस थे लेकिन अब नहीं है, अब हमने सब कुछ इंक्लूसिव कर दिया है। कैसे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो मैं एक यहाँ पर ब्रैकेट जो है वो ले लेता हूँ, एक मैं यही ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ एड टू कार्ट। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि किस तरीके से प्राइजेज जो है वो हमारी वेबसाइट पर अब आते हैं। तो 360 रुपये का प्रोडक्ट मैंने आपके सामने अभी एड टू कार्ट किया है। व्यू कार्ट में हम चलते हैं सीधे और कार्ट में आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 300 यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो वहाँ 360 रुपये था वो यहाँ 305 रुपये 8 पैसे हो गया, ठीक है। यानी कि वही जो पैसा है वो आपको अलग अलग दिखाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर शिपिंग चार्जेज है, बाई डिफ़ॉल्ट जो शिपिंग चार्जेस होता है वो एक्सप्रेस पर सेट है, बाई डिफ़ॉल्ट 60 रुपीज़ एक्सप्रेस, यानी कि 3 से 4 दिन में प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पर हमने फ्री भी दिया हुआ है, फ्री शिपिंग, ये देखिए ये दिया हुआ है। यहाँ मैक्सिमम 7 से 10 दिन हैं, ठीक है, इतने लगने ही लगने हैं, लेकिन यहाँ अगर आप फ्री शिपिंग चूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं 360 रुपये से एक भी रुपया ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आप COD करना चाहें तो 70 रुपये में COD भी अवेलेबल है। इसके अलावा मैं आपको दोस्तों बता दूं, अब हम जो ड्रॉप शिपिंग है उसके अंदर COD भी देते हैं, लेकिन फिर से कह रहा हूँ इस बात का ख्याल रखिएगा कि COD जो है वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। अगर COD कैंसिल होता है दो बार, अगर आप इस तरीके से करते हैं, कोई भी दो COD ऑर्डर आपके कैंसिल इस तरीके से हो जाते हैं, तो थर्ड टाइम आप COD जो है वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे हमारी वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल ये है कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि फ्री शिपिंग का ऑप्शन है जिसे आप चूज कर सकते हैं, और 360 रुपये में, जैसे कि आप देख सकते हैं 360 रुपये में ही आपको पूरा यहाँ दिखाया गया है डिवाइड करके कि आप कितना GST दे रहे हैं और यहाँ पर कितना चार्ज आपने किस चीज़ के लिए दिया है। अगर आप यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेस डिलीवरी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिपिंग का जो है वो अलग से GST लगकर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी कैलकुलेशन आपको बिल्कुल अलग अलग दिखाई जा रही है, ठीक है। प्रोसीड टू, जब आप चेकआउट करेंगे तो आगे आपको यहाँ पर ये डिटेल देनी जरूर है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर GST नंबर आपको देना है और यहाँ लिखा हुआ है फॉर B2B, ठीक है। अगर आप हमारे यहाँ से होलसेलिंग प्राइस में, अगर आप हमारे यहाँ से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपना GST नंबर देना है। जो इनवॉइसेज होती हैं वो हमेशा हम मेल पर देते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है, मान लीजिए मैंने आपको 360 रुपये का ये प्रोडक्ट दे दिया, अब अमेजोन पर आपने जाकर इसको 700 रुपये का 800 रुपये का सेल कर दिया, तो आपने बैठे बिठाए पैसे कमा लिए, मतलब 360 रुपये आपके खर्च हुए। अब आपने अमेजोन पर यही ब्रैकेट 700 रुपये का सेल कर दिया मान लीजिए, या 650 जितने का भी आपने सेल किया आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। हमने तो आपको इतने में ही प्रोडक्ट दे दिया, उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए आपको ऑर्डर आ गया इसका, आपने 700 रुपये का इसको सेल किया, हम आपको फिर यहाँ से मैं आपको मेल करूँगा, ठीक है, मैं आपको कॉल करूँगा और आपसे जो इनवॉइसेज हैं आपकी ओरिजिनल अमेजोन की वो आपसे ले लूँगा। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपरली प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन का जो पैकेजिंग मटेरियल है उसी में पैक किया जाता है, और उसमें पैक करने के बाद आपकी इनवॉइस लगाने के बाद आपके बायर को सीधे सेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बहुत से जो व्यूअर्स हैं, बहुत से जो यूज़र्स हैं, उनके सवाल होते हैं कि जो शिपिंग लेबल होगा वो किसके नेम से होगा। देखिए यार, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर है तो इतना कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए कि जाहिर सी बात है कि जहाँ से प्रोडक्ट पिकअप हो रहा है शिपिंग लेबल वहीं का होगा। आप अगर बैठे हैं दिल्ली में, आप बैठे हैं अगर हरियाणा में, आप चाहें कि अलीगढ़ से जो है वो हमारे वेयर हाउस से प्रोडक्ट पिकअप हो रहा है और हरियाणा का वहाँ पर शिप पिकअप के टाइम पे एड्रेस हो, तो नॉट पॉसिबल यार, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अलीगढ़ से पिकअप हो रहा है और हरियाणा का वहाँ पर पिकअप एड्रेस होना चाहिए, नॉट पॉसिबल, ऐसा तो कोई बंदा कर ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि लॉजिस्टिक इस चीज़ का अलाउ करते ही नहीं है, वो पिकअप ही नहीं करेंगे अगर आप गलत एड्रेस देंगे तो। तो उस पर जो शिपिंग लेबल होता है वो बेसिकली हमारा ही होता है, हम ही देते हैं, लेकिन शिपिंग लेबल इस तरीके का होता है कि उस पर कोई इस तरीके की खास डिटेल मतलब नहीं होती है जो बायर को कोई प्रॉब्लम आए। और मैं आपको बता दूं कि बायर को सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है, कहाँ से प्रोडक्ट आया उसको इस बात से कोई मतलब नहीं। अगर उसको सही प्रोडक्ट पहुँच रहा है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट पहुँच रहा है, जो उसने ख़रीदा वही पहुँच रहा है, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, यही होता है ड्रॉप शिपिंग, आप बैठे बिठाए बिना कोई इन्वेस्टमेंट के जो है वो पैसा कमा सकते हैं हमारी वेबसाइट से, क्योंकि हम यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन है ये लाइफ टाइम के लिए 50 रुपीज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका, इसके बाद हम आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं, ठीक है, मतलब हम आपसे कोई भी कमीशन भी नहीं लेने वाले। आप ये सोच रहे हो कि सर इसमें कोई कमीशन है,
भाई इसमें कोई कमीशन है? नहीं, इसमें कोई भी कमीशन नहीं है। अगर प्रोडक्ट पर 228 रुपये 81 पैसे लिखा हुआ है तो वो प्रोडक्ट आपको उतने में ही मिलेगा। उस पर हम आपसे कोई भी सेल के ऊपर कोई कमीशन नहीं ले रहे हैं एक्स्ट्रा। आप क्योंकि हमारे मेंबर बन चुके हैं तो अब आपसे कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन नहीं है। देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आप में से बहुत से व्यूअर्स के सवाल होते हैं, मेरे से कई बार फ़ोन पर पूछा है कि सर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, आपको जब कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे फ़ायदा ना हो। मैंने पहले भी कई बार बताया है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो विदाउट प्रॉफिट के कहीं कोई बिजनेस करता हो। किसी ना किसी रोल में कहीं ना कहीं मेरा फ़ायदा होता ज़रूर है। मान लीजिए अगर आप में से 10 लोग भी मेरे साथ जुड़ते हैं तो मेरा एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक बन गया। दूसरा मेरा ये फ़ायदा हो गया कि मेरी वेबसाइट की रैंक बढ़ रही है। तीसरा ये फ़ायदा हो गया कि मेरी वेबसाइट पर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरे को ऑर्डर मिल रहे हैं, मेरी वेबसाइट की रैंक अच्छी हो रही है। ठीक है, और आगे का क्या फ़ायदा है कि देखिए मैं हमेशा बताता हूँ कि 10-20 रुपये का मार्जिन तो मैं हमेशा रखता ही हूँ। मैं काम ही उतने पर करता हूँ, मेरे को 100-150 रुपये का मार्जिन लेकर मैं नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में ये सबसे बड़ी बात है, अगर किसी को अपनी पर्सनल वेबसाइट पर ऑर्डर आ रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि वो बंदा जो है खुद से सेल्फ डिपेंड हो रहा है, उसको किसी अमेजोन किसी फ्लिपकार्ट की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से काम करता हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं रखता हूँ, 10-20 रुपये का प्रॉफिट रखता हूँ बस, उसी पर मैं काम करता हूँ, उतना ही मेरा मार्जिन रहता है। तो फ़ायदा तो मुझे बहुत सारे तरीके से हो रहा है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट्स जो हैं वो दे सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो लाइफ टाइम के लिए, इसके अलावा कोई आपसे हिडन चार्जेज नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ जो आपका सवाल अभी यहाँ पर उठेगा, ये जो यहाँ पर डिलीवरी में दिया गया है 7 से 10 दिन, है ना, ये एक आपका आपके मन में सवाल उठ सकता है कि अमेजोन तो इतना टाइम देता नहीं है। देखिए अगर आप सेल्फ शिपिंग कर रहे हैं तो इसके बारे में एक पहले ही मैं वीडियो बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ, अमेजोन में एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप जाकर डेज जो है वो सेट कर सकते हैं आराम से, आपको वहाँ पर डेज मिल जाएंगे और ये हमारे मैक्सिमम है। ठीक है, वैसे हम नॉर्मली कहते हैं इतना तो हम एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा ज़्यादातर एयर से ही जाते हैं। ठीक है, तो 4 या 5 दिन में हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिलीवर हो जाते हैं, तो यहाँ पर डेज़ को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बाई चांस अगर कोई प्रोडक्ट बहुत हैवी हो जाता है, 500 ग्राम से ऊपर का हो जाता है, तो उस केस में हम फिर जो है उतना टाइम ले लेते हैं। ये 7 दिन यहाँ पर मैक्सिमम है, 7 दिन से ज़्यादा नहीं लगता ऑल इंडिया। ठीक है, और अमेजोन में ये ऑप्शन होता है सेल्फ शिपिंग में जाके कि आप वहाँ पर जाकर डे सेट कर सकते हो। चलिए, तो बेसिकली यहाँ पर मैंने ड्रॉप शिपिंग का आपको क्लियर कर दिया कि ड्रॉप शिपिंग काम कैसे करता है, आप किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग में अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का भी क्लियर कर दिया कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, कहाँ से आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इसी पेज पर मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो मैं उनको बता दूँ किस तरीके से होता है हमारी वेबसाइट पर। देखिए हमारी वेबसाइट का बहुत तरीके से फ़ायदा ही ले सकते हैं। अभी इस टाइम मैं आपको बता दूँ, मैंने कहीं इस पर अभी वेबसाइट पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन अभी हम 0 कमीशन पर काम कर रहे हैं। 0 कमीशन पर हम कैसे काम कर रहे हैं, हम आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं, ना रजिस्ट्रेशन का आपसे कोई भी चार्ज लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई ऑर्डर भी आएगा तो हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर होता क्या है काम वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप सबसे नीचे आइए, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है 200 पर मंथ, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपको कौन से ऑप्शन पर जाना है, ये तो वेबसाइट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, अगर आप अपनी वेबसाइट इंटीग्रेट कराना चाहें हमारी वेबसाइट से। ठीक है, तो ये है बीच वाला ऑप्शन आपके लिए, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ होता क्या है, 5% कमीशन या 500 क्वार्टरली हमने लिखा हुआ है, लेकिन अभी ऐसा है, ऐसा हो रहा है कि हमारी वेबसाइट पर अगर अगर किसी सेलर को ऑर्डर आ रहे हैं तो हम उससे 1 भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं ले रहे, क्योंकि मैंने बताया ना हम अभी दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं। अभी हमारा जो पूरे तरीके से ध्यान है वो प्रमोशन के ऊपर है, मेरा जो पूरे तरीके से ध्यान है वो प्रमोशन के ऊपर है। तो यहाँ पर ये इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है इस तरीके से। ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो अपने प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पर सेल करना चाहते हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स की ड्रॉप शिपिंग कराना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजोन में सेल करने के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, उसी तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ स्टोर रजिस्ट्रेशन, ये सिर्फ सेलर्स के लिए हैं जो हमारी वेबसाइट पर सेल करना चाहते हैं। ठीक है, ये उनके लिए नहीं है जो अमेजोन पर हमारे प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं,
दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इस बात का ख्याल रखिएगा। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जो अमेज़ोन पर सेल करना चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, या अपनी वेबसाइट पर जो लोग हमारे प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, उनके लिए ये वाला ऑप्शन है, 50 रुपीज़ वाला, जो वन टाइम मैंने उनको बताया। उनको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फॉर्म वगैरह नहीं फिल करना है, बस उनको जो जब वो पेमेंट कर देंगे तो उनके लिए होलसेल प्राइस जो है वो ओपन हो जाएगा, बस बात यहाँ पर फिनिश हो जाती है, ठीक है। अब जो लोग हमारी वेबसाइट पर सेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर्फ मेरे प्रोडक्ट्स नहीं है, यहाँ पर देखिए और भी स्टोर हैं जिनके प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है विजिट अवर स्टोर, ठीक है। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया विजिट अवर स्टोर, तो यहाँ पर एक अलग ब्रांड जो है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा क्या ब्रांड है, मेरा ब्रांड है A1 क्वालिटी, तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा ब्रांड नहीं है। आप देख सकते हैं आप बालासंस के स्टोर पर आ गए, यानी कि ड्रॉप शिपिंग में आप बालासंस के स्टोर के ऊपर हैं अभी, ये मेरा स्टोर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बालासंस का अपना पर्सनल नंबर है और इनका जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो है, सारी डिटेल है इनकी, तो आप इनसे खुद से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये है इस, अगर आप इस तरीके से काम करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पर, तो आपके लिए फिर ये वाला ऑप्शन है जो आपको ड्रॉप शिपिंग पेज के अंदर नीचे मिलेगा, यहाँ पर बीच वाला ऑप्शन है, ठीक है। इसमें जब आपकी कोई भी सेल होगी तो हम अभी कोई भी कमीशन नहीं ले रहे हैं, फिलहाल कोई भी हम कमीशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली होना क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर हमने आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं कि क्या आप ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। और मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो लोग हमसे ये कहते हैं कि हम ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो मैं यहाँ पर क्लियर आपको बता रहा हूँ, तो मैक्सिमम उनके लिए अगर उनके पास प्रोडक्ट नहीं है, गिने चुने प्रोडक्ट हैं, एक दो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो इस तरीके के स्टोर्स हम वेरीफाई नहीं करते हैं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड करा रहे हैं तो भी आपके पास मिनिमम 10 प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, हमने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है और आप सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आपका जो स्टोर है वो बहुत जल्दी डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। आपके पास सिर्फ 10 दिन हैं अपने स्टोर पर काम करने के लिए, प्रोडक्ट्स अपलोड करने के लिए। अगर आप 10 दिन के अंदर प्रोडक्ट अपलोड नहीं करते हैं तो विदाउट किसी नोटिफिकेशन के आपका स्टोर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और पता नहीं अब तक कितने सेलर्स का हम स्टोर जो है वो डीएक्टिवेट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए, मिनिमम 10 प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तभी आप इस स्टोर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। अब एक ऑप्शन और आ जाता है पेमेंट गेटवे से रिलेटेड, कि पेमेंट गेटवे में कैसे होगा। पेमेंट गेटवे अगर आपके पास नहीं है तो पेमेंट गेटवे हम अपना प्रोवाइड करा देते हैं, A1 क्वालिटी का पेमेंट गेटवे हम आपकी वेबसाइट पर लगा देंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर अगर जाएं, मैंने आपको दिखाया अभी एक स्टोर दिखाया मैंने आपको, इनकी वेबसाइट पर हमारा पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, तो पेमेंट गेटवे पर हम 3% लेते हैं। जैसे अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, नॉर्मल चार्ज है ये, किसी भी आप अगर पेमेंट गेटवे पर जाएंगे तो वो सेलिंग प्राइस पर 3% लेते ही लेते हैं पेमेंट गेटवे वाले। तो जाहिर सी बात है हमें भी पेयू मनी को लगभग 3% देना ही होता है, तो इसलिए हम 3% जो है वो लेते ही लेते हैं। 3% काट कर जो भी आपका प्राइस होता है वो आपको हम पूरा पैसा आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो एक्स्ट्रा कोई भी हम आपसे चार्ज नहीं ले रहे हैं। अगर आप हमारा पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं तो हम आपसे सिर्फ 3% ले रहे हैं पेमेंट गेटवे की वजह से। अगर आपके पास अपना पेमेंट गेटवे है तो हम आपसे एक भी रुपया नहीं लेने वाले, आप बिंदास सेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग तो कर ही सकते हैं क्योंकि हमारे पास ट्रैफिक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सब कुछ देखिए, जब आप अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट पर जाते हैं जो मल्टी मिलियन वेबसाइट है, बहुत सारे लोग मेरे से बच्चों जैसे सवाल करते हैं और मुझे काफ़ी कभी कभी अजीब भी लगता है, और उनसे मैं यही बात कहता हूँ। वो मुझसे ये कहते हैं कि सर कितनी श्योरिटी है आपकी वेबसाइट पर हमें ऑर्डर मिल जाएंगे, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप कभी अमेज़ॉन से ये बात जाकर पूछते हैं कि वो कितनी श्योरिटी है कि जो आपको वो ऑर्डर दे देगा। पता नहीं आप ऐसे ऐसे कितने सेलर्स हैं जो दो दो तीन तीन साल से वेट कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर और अपना पैसा लगा रहे हैं प्रमोशन में, तब आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे, और आप मेरी वेबसाइट पर आकर मेरे से ये पूछ रहे हैं कि हमें श्योरिटी चाहिए ऑर्डर्स के। तो भाई यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है, इसीलिए हम आपसे कोई कमीशन ले भी नहीं रहे हैं। आपको जब ऑर्डर आएगा तब भी हम आपसे शुरू में कोई कमीशन नहीं ले रहे हैं, आप बिंदास यहाँ पर सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप अमेज़ॉन से कोई श्योरिटी नहीं लेते हैं तो आप हमसे भी कोई श्योरिटी ना लें कि आपको कब ऑर्डर आएगा, सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। अगर आप
यहाँ पर जो बात है इस वीडियो में मैं क्लियर कह रहा हूँ, चाहे अमेजोन का बिजनेस हो या आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट हो या आप कहीं पर भी ऑनलाइन में काम कर रहे हो, अगर आप अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, आप ये सोचते हैं कि मेरे को 200 रुपये ही कमाने हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, अगर आप ये सोचते हैं मेरे को 100 रुपये ही कमाने हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो याद रखिएगा सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको बिजनेस शायद ही मिलेगा, क्योंकि आजकल हर चीज़ में जो रेट्स हैं वो ओपन है और बायर जो है वो बहुत ज़्यादा पहले से एक्टिव हो गया है, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गई है, क्योंकि हर चीज़ के लगभग रेट्स जो है वो ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, आप कहीं पर भी बिजनेस करें कि आपको कितने ऑर्डर आ रहे हैं। अगर आप एक 30 रुपये का हेडफोन जो दिल्ली के खुले मार्केट में मिलता है, वो अगर आप चाहें कि मैं उसको 400 रुपये में ऑनलाइन सेल कर दूँ, तो भूल जाओ, नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल सब दिल्ली वालों को पता है कि 30 रुपल्ली में मिलता है रोड के किनारे, लोग इसको लेकर घूम रहे हैं, ठीक है, और आप उसको 400 रुपये का सेल कर रहे हो, तो भाई कोई क्यों लेगा, शायद कोई ही मंद बुद्धि हो जो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, तो ये आपकी कमी है ना। आप अगर इस तरीके से ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आप अगर ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आ रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि मेरे को ऑर्डर्स नहीं आ रहे और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वेबसाइट में कमी है, अमेजोन ख़राब है, बहुत से लोगों की जो कहते हैं ना, जो अब मैं किस तरीके से बोलूँ, जो भड़ास होती है वो अमेजोन के ऊपर निकलती है, खुश होते हैं, तो भैया प्रॉब्लम आपकी है, आपको ऑर्डर्स इसलिए नहीं आते क्योंकि आप चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिन्हें लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। लोगों को चाहिए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, वो लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके रियलिटी ये कि आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं हैं। पहले भी मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ, मोबाइल एक्सेसरीज में सब इसलिए भागते हैं क्योंकि वो सस्ती होती है, ठीक है, लेकिन मोबाइल एक्सेसरीज में अब काम करना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर आप मेरे से ना पूछिएगा कि कितनी श्योरिटी है, अब यहाँ पर मैं आपको प्रॉफिट बता देता हूँ क्या है। देखिए, ड्रॉप शिपिंग तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, वो तो ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है ही है, लेकिन अगर आप फेसबुक स्टोर पर सेल कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपका फेसबुक पर स्टोर है, तो आप उससे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी अपने स्टोर को। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप अपना पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक तरीके से अभी जैसे मैं बहुत दिन से सर्च कर रहा हूँ, फेसबुक पर कोई भी पेमेंट गेटवे का ऑप्शन मेरे को नहीं मिला है, तो यहाँ पर आप अपने स्टोर को अपने फेसबुक स्टोर से इंटीग्रेट करिए और बिंदास उसको सेल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधे पैसा आपके अकाउंट में आएगा, कोई मैसेज खेलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आप अपने स्टोर को फेसबुक से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। अब ये क्लियर होगा आपको, जो लोग हमारी वेबसाइट पर सेल करना चाहते हैं वो कहाँ से कर सकते हैं, ये बीच वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्म है आपको फिल करना है, कोई चार्ज नहीं देना आपको इसके अंदर, सिर्फ ये आपको फॉर्म फिल करना। और प्लीज़ एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, यहाँ सैम्पल इमेज में लिखा हुआ है प्रोवाइड मिनिमम 10 प्रोडक्ट इमेजेस विच यू वांट सेल। यहाँ पर पता नहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो अपना फ़ोटो खींच कर लगा देते हैं, यार आप बेसिक सी इतनी सी चीज़ नहीं समझ पा रहे हो, आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे करोगे। यहाँ पर हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप यहाँ पर मिनिमम 10 वो प्रोडक्ट की इमेजेस हमें दीजिए जो आप हमारी वेबसाइट पर सेल करना चाह रहे हैं, आप अपना फ़ोटो खींच कर वो यहाँ पर लगा देते हो, तो हम आपको सेल करेंगे कि अपनी वेबसाइट पर, आप यहाँ पर अपना फ़ोटो क्यों लगा रहे हो, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेजेस देनी है जो भी आप हमारी वेबसाइट पर सेल करना चाह रहे हो, ठीक है। प्लीज़ यहाँ पर आप अपनी इमेज अपनी फ़ोटो खींचकर ना लगाएं, क्योंकि हम आपको सेल नहीं करने वाले अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप हमारी वेबसाइट पर सेल करना चाहते हैं तो। तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया आपको ड्रॉप शिपिंग में क्या फ़ायदा है, आप किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया आप हमारी वेबसाइट पर किस तरीके से सेल कर सकते हैं। ये ऑप्शन उनके लिए हैं जब आपके, ये हमने इन फ्यूचर के लिए रखा हुआ है, जब आपका 1%, हम तो 1% ही मानकर चलते हैं, इन फ्यूचर आपका बिजनेस अगर बहुत अच्छा हो जाता है और आपको लगता है कि मैं कमीशन बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ या ये पैसे मैं बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर भी आ सकते हैं। और अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम तो 0 कमीशन पर काम कर रहे हैं, तो आप बिंदास आकर अपना रजिस्ट्रेशन करिए, बस आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अब एक लास्ट जाते जाते एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर वो सेलर्स हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं जो ये सोचते हैं कि जो हमारे ये प्रोडक्ट्स को हमारी वेबसाइट पर ही स्टोर बनाकर ये सेल करना चाहते हैं, या ये सोच रहे हैं कि यही शूज़ मैं अपने स्टोर पर डाल दूं हमारी वेबसाइट पर ही स्टोर बनाकर, तो भाई फ़ायदा क्या होगा उससे, इसीलिए हम आपको अप्रूव भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 125 रुपये का ये है यहाँ पर, ठीक है, ये पार्टी मग है,
अब आपने बालासंस के स्टोर से पार्टी में उठाया 125 रुपये का, हमारे यहाँ एक स्टोर क्रिएट किया और वहीं पर आपने इसको 250 रुपये का अपलोड कर दिया। तो आप मुझे ये बताइए कि आप हमारी वेबसाइट पर ही एक पर्सन इसको 125 रुपये का सेल कर रहा है, तो आप इसको हमारी वेबसाइट पर ही 250 रुपये का कैसे सेल कर सकते हो? इसके अलावा बायर आपसे लेगा क्यों जब आप उसको यहाँ पर ओपनली 125 रुपये का प्रोडक्ट शो हो रहा है? तो यहाँ पर जिनके पास प्रोडक्ट्स नहीं हैं वो हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते एज अ सेलर, ठीक है? वो हमारी वेबसाइट पर सेल नहीं कर सकते, उनको हम उनका स्टोर हम अप्रूव ही नहीं करेंगे। आपके पास अपने प्रोडक्ट होने चाहिए, जैसे हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स हैं, बालासंस के पास उसके अपने प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरीके से आपके पास अपने प्रोडक्ट्स होने चाहिए तब आप यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों और बता देता हूँ कि आप ड्रॉप शिपिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फिलहाल इंडिया में आप दो ही जगह ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, एक अमेजोन के ऊपर कर सकते हैं और एक अपनी वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं। अगर कोई अनदर ऐसी वेबसाइट है तो उसके बारे में मुझे नहीं पता जो सेल्फ शिपिंग का ऑप्शन आपको दे रही हो, ठीक है? तो आप जो है अपनी वेबसाइट पर और अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। और एक सवाल और आ गया मुझे याद कि अगर आप हमारी वेबसाइट पर सेल कर रहे हैं तो लॉजिस्टिक का क्या, लॉजिस्टिक कौन प्रोवाइड कराएगा? देखिए, अगर आप हमसे लॉजिस्टिक सर्विस लेना चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसके बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। उसके चार्जेज आपके जो भी होंगे वो आपको हमें देने पड़ेंगे, ठीक है? आपको जो भी अपनी बिजनेस डिटेल है वो हमारे साथ शेयर करनी पड़ेंगी, तभी हम आपके यहाँ से पिकअप करा पाएंगे। अगर आपके पास अपनी लॉजिस्टिक सर्विस हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम अभी शिपलाइट की लॉजिस्टिक सर्विस यूज़ कर रहे हैं पर्सनली। तो शिपलाइट के अगर एरियाज में आपका एरिया आता है, सर्विसेबल एरिया में आपका एरिया आता है, तो हम आपको सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, वरना आपके पास अपनी लॉजिस्टिक सर्विस होनी चाहिए अगर आप हमारी वेबसाइट पर एज अ सेलर सेल कर रहे हैं तो, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग वालों को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो हमारे प्रोडक्ट्स को अनदर वेबसाइट्स पर सेल कर रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो हमारे पास सारी सर्विसेज है ही हैं। जो लोग हमारी वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बालासंस हैं, ये अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो इनके पास अपनी सारी सर्विसेज हैं, लॉजिस्टिक्स से लेकर सब कुछ है, ठीक है? तो इन्हें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको ऑर्डर आते हैं डिस्पैच कर देते हैं, बायर को मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो आपके पास अपनी लॉजिस्टिक सर्विस हो और आपके पास अगर अपना पेमेंट गेटवे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो एक रुपया आपको हमें नहीं देना, सारा बिजनेस आप यहाँ पर करिए, आपको फ्री में एक पूरा स्टोर, पूरी वेबसाइट मिल रही है जिसे आप आराम से यूज कर सकते हैं और बहुत सारी जगह पर अपना बिजनेस जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हम किसी की डिटेल जो है वो छुपाते नहीं हैं, आप बालासंस से चाहें तो सीधे जाकर इनसे बात कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी एक स्टोर क्रिएट करके दिया जाएगा जो आपका अपना होगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, अगर इतने के बाद भी आपका कोई सवाल हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करिए, ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं, वीडियो पर कमेंट कर भी मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।